Hello students, welcome to Nesponian Common Classes. In the previous lecture, we discussed about G. Okay, what is this G? It is the acceleration due to gravity or Earth's gravitational acceleration. इसका हम लोगों ने formula देखा G is equal to Gm by R square. Okay, so this was the formula of G, in which we saw that value of G depends on the mass of the Earth, okay, and mass of the planet and the radius of the Earth and planet. Okay. And we saw that this capital G is constant. This is known as the universal gravitational constant. Universal gravitational constant. जिसका हम लोग ने वैल्यू देखा था, क्या था इसका वैल्यू? 6.67 into 10 raise to minus 11. यूनिट इसका क्या था? अगर यूनिट नहीं याद है तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते थे. R square इधर जाएगा, m इधर आएगा. So, उसके ऊपर से हम लोग वहां पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 6.67 into 10 raise to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, f वाले फॉर्मूला से f इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. वहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे g के बारे में, हमने देखा था यहां पे. फिर उसके बाद हम लोगों ने चेंजेस भी देखे थे कि g के वैल्यू में चेंजेस कब होगा, जब हम लोग प्लैनेट टू प्लैनेट जाएंगे. जब हम लोग दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे, मींस का कंसीडर करो मून पे अगर हम लोग गए. ओके, मून इज अ सैटेलाइट जो है हमारा. अगर मार्स पे गए, मार्स पे m अलग होगा, r अलग होगा. मींस मार्स का जो मास है वो अलग होगा, और जो मार्स का रेडियस है वो अलग होगा. तो वहां पे g का वैल्यू अलग होगा. अब अगर हम लोग बात करें अपने अर्थ पे, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस एज लार्ज एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ द इट नाउ प्रेजेंट में. मींस क्या, हम लोग को मास को क्या करना है, डबल करना है, और रेडियस को क्या करना है, हाफ करना है. तो जी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? तो ये हमारा पुराना वाला मींस का जो अपना डेफिनाइट है, मींस का जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट जी का फॉर्मूला है. अब जो न्यू जी है उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ जी एन से. ओके, जी एन, जी तो कैपिटल रहेगा. अब जो मास है, ओके, ये पहले वाले का था. सो जो न्यू वाला है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एम एन. ओके, जो रेडियस है पहले वाले का था, न्यू वाले को मैं डिनोट कर रहा हूँ आर एन स्क्वायर. अब यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जब भी हम लोग को ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि किसी में चेंज हुआ तो उसमें क्या चेंज होगा, इसमें अगर बढ़ाया तो उसमें क्या कम होगा, कि किसमें कितना चेंज होने वाला है, सो हमेशा अपने को जो डिफॉल्ट फॉर्मूला रहेगा पहले उसको लिखना रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको अलग अलग सिंबल से डिनोट करना पड़ेगा. या तो एन दे सकते हैं, या तो इसको वन, जी वन इज इक्वल टू जी एम वन बाय आर वन स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं वन टू से, या तो ऐसे भी एक को डिफॉल्ट रख के दूसरे को कुछ एज्यूम करके हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मास को हम लोगों ने डबल कर दिया. मींस के अकॉर्डिंग टू कंडीशन एम एन, मींस का जो न्यू मास है वो पहले वाले मास के टू टाइम्स से डबल है. अब उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, रेडियस जो है हम लोगों ने इसको हाफ कर दिया. मींस के जो न्यू रेडियस वो क्या है, हाफ हो गया पहले वाले से, आर बाय टू. चलो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, जी एन इज इक्वल टू जी एम एन के प्लेस में क्या रखेंगे, टू एम. ओके, डिवाइडेड बाय आर एन स्क्वायर, सो आर बाय to the whole square. After that, तो 2 को हम लोग इधर रखते हैं, 2gm by अब r square, okay? And 2 square is 4. अब यहाँ पे divide में ये कौन सा form है? a by b by c. So इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a into c by b. Means क्या जो 4 है ऊपर चला जाएगा. So क्या हो जाएगा? 4 2 है 8gm by r square. 8gm by R square. So, यहाँ पे जो gm by R square है, ये हमारा पुराना वाला g का value है, means का जो default हम लोग ने रखा था. So, जो new वाला जो gravity होगा, वो कौन सा, कब वो एक gravity होगा, जब हम लोग mass को double कर देंगे और radius को half कर देंगे. So, जो new value of gravity होगा, वो क्या हो जाएगा, 8 times बिफोर वाला जो ग्रेविटी था उसके. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पूछते रहेंगे एग्जाम में. यहाँ पे तो 2 दिया हुआ, एग्जाम में हम लोग को पूछेगा कि उसका जो मास है 4 टाइम्स कर दिए, 6 टाइम्स कर दिए, रेडियस का उसका जो रेडियस है वो 3 टाइम्स कर दिए, हाफ कर दिए, 1/4 कर दिए, तो क्या चेंजेस होंगे. सो ऐसे ऐसे अलग अलग वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे दिए रहेंगे, अलग अलग टाइम्स दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग को यहाँ पे फ्रेम करना है. सो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक डिफॉल्ट रखना है, उसके बाद न्यू वाले को हम लोग या तो एन से कंसिडर कर सकते हैं, या तो जी टू से, जी वन जी टू से वहां पे कंसिडर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, व्हेन दिस कंडीशन हेल्ड. ओके, व्हेन दिस कंडीशन हेल्ड मींस क्या, मास ऑफ द अर्थ गेट्स डबल एंड रेडियस ऑफ द अर्थ गेट्स हाफ,
ओके सो द ग्रैम की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रैम की विल बी 8 टाइम्स एज ऑफ बिफोर ओके मींस का जो वैल्यू ऑफ ग्रैम की है वो 8 टाइम्स हो जाएगा। यहां पे हमने कंडीशन देखा कि अगर चेंज होंगे तो अब हम लोग को देखना है कि जो डिफॉल्ट में भी क्या चेंज होगा क्या मींस क्या अगर हम लोग कंसीडर करें अर्थ सो अर्थ के ऊपर हम लोग ने देखा था जी का वैल्यू कितना आया था जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया था इसके जो वैल्यू से अगर हम लोग ने उसको रखा था जी का क्या 6.67 × 10⁻¹⁹ एंड क्या रखा था 6.4 × 10⁻²⁴ वो रखे थे हम लोग रेडियस को भी हम लोग एम को रखे थे हम लोग 6 × 10⁻²⁴ केजी आर को रखे थे 6.4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर ओके सो यहाँ पे जब हम लोग ने रखा था सो उसके बाद हम लोग को वहाँ पे वैल्यू मिला था 9.77 जिसको हम लोग ने क्या बोला था 9.8 सो 9.8 जो था वो अपने सेंटर पे था मींस क्या सरफेस के सेंटर पे था सो इसका मतलब ये है कि पूरे अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी सेम रहेगा ऐसा नहीं है क्यों अभी जैसा हम लोग को पता है अगर एक ग्लोब को कंसिडर करते हैं यहाँ पे ये क्या है अपना अर्थ है ओके ये कैसा स्फीयर है ओके हम लोग ऐसा देखते हैं अज्यूम करते हैं कि जो अपना अर्थ है वो स्फीयर है लेकिन एक्चुअल में अपना अर्थ जो ये दिख रहा है यहाँ पे ए नहीं है क्या है ए है ठीक है ए कैसा है अंडे के शेप का है मींस क्या ओवल है अपना अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल नहीं है वो कैसा है ओवल शेप का है ओवल का मींस क्या है कि थोड़ा सा फ्लैट हो गया है ओके सो उससे ज्यादा फर्क नहीं होता लेकिन थोड़े से वैल्यू वहां पे चेंज होते हैं सब ये समझ रहे हैं हम लोग को अगर इसकी बात करें अर्थ की ओके सो हम लोग को पता है अर्थ के ना दो पोल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल सो दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ ऐसा है ऊपर वाले पोल्स होते हैं और जो ए वाले होते हैं ये क्या होते हैं इक्वेटर ओके सो दिस इज इक्वेटर ओके हम लोग याद रखना है दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल सो नॉर्थ पोल साउथ पोल ओके सो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जो जैसा अभी हम लोग ने देखा कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है मतलब स्फीयर नहीं है वो कैसा है ओवल है सो किस लिए ओवल हुआ पहले स्फीयर था लेकिन अब हम लोग को पता है कि अर्थ के ना डे एंड नाइट होते हैं डे एंड नाइट किसके वजह से होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन के वजह से ओके अर्थ रिवॉल्व कर रहा है बताइए यहाँ पे अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है सो जो इसके इक्वेटर वाले जो पोर्शन है इसके इक्वेटर वाले पोर्शन से क्या होगा फ्लैट होना चालू होगा इंक्रीज होना चालू होगा अगर इक्वेटर वाले पोर्शन से इंक्रीज होगा सो जो इसका पोल वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा सो इसीलिए अर्थ के रोटेशन की वजह से अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर से ओवल हो चुका है ओके सब यहां पे समझ रहे हैं ओवल को अगर हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं ओके कंसीडर दिस इज अ ओवल ओके ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है बट कंसीडर करो इसको ओके एक बार ट्राई करते फिर से ओके दिस इज ओवल इतना ओवल नहीं है बस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग यहां पे सो आर का वैल्यू हम लोग को चाहिए R R का मीनिंग क्या है रेडियस सो स्फीयर रहेगा तो रेडियस सब जगह पे सेम रहेगा लेकिन ओवल है सो A वाला जो वैल्यू होगा और जो A वाला वैल्यू होगा अगर मैं इसको कंसीडर करूं R1 इसको मैं कंसीडर करूं R2 सो एज वी आर लुकिंग हियर इक्वेटर की तरफ वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया और पोल्स की तरफ पे श्रिंक हो गया मींस क्या जो R1 है इज लेस देन R2 ओके R1 इज लेस देन R2 सो हम लोग यहां पे क्या समझना है अभी जो वेरिएशन ऑफ G है वो हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से देखते हैं मींस क्या थ्री फॉर्म में देखते हैं जो फर्स्ट है वो सरफेस ऑफ द अर्थ ओके यहाँ पे दिया हुआ है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वही हम लोग ने यहाँ पे देखा है क्या अर्थ का सरफेस है जब हम लोग पोल पे रहते हैं सो वहां पे अर्थ का वैल्यू अलग है जब हम लोग इक्वेटर पे जाते हैं तो वहां पे अर्थ का वैल्यू अलग है ठीक है थोड़े से ही डिफरेंस है वहां पे लेकिन डिफरेंस है सो डिफरेंस है तो वैल्यू ऑफ जी में भी डिफरेंस होगा सो यहाँ पे देखना है सो अब जब हम लोग पोल पे हैं सो वहां पे वैल्यू कम है तो ये वैल्यू आर टू पे अचानक से ही ज्यादा नहीं हो जाएगी ये धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होगी ओके धीरे धीरे इंक्रीज होते होते फाइनल उसका मैक्सिमम जो इंक्रीजिंग पॉइंट होगा कहां पे होगा इक्वेटर पे होगा सो सबसे जो ज्यादा मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी कहां पे होगा पोल पे होगा और सबसे कम कहां पे होगा अपने अर्थ सरफेस पे इक्वेटर पे होगा इसको देखते हैं यहां पे जी का फॉर्मूला क्या है जी अगर जी और आर के बीच में रिलेशन देखते हैं तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इसका मीनिंग क्या व्हेन वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस
मींस क्या, जब हम लोग इक्वेटर पे जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज हो रहा है, सो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू द हियर प्रोपोर्शनलिटी मींस क्या, रिलेशन बिटवीन जी एंड आर. सो पोल की अगर बात करें, सो पोल पे वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज हो रहा है, सो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि दीज टू टर्म्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे याद रखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल मींस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर. ओके, सो हम लोग ने वेरिएशन देखा सरफेस ऑफ द अर्थ पे. अगर अब सेकेंड वेरिएशन है, फर्स्ट वेरिएशन में हम लोग सर्फेस से मूव कर रहे हैं, सो वहां पे हम लोग ने देखा. सेकेंड वेरिएशन है एट द हाइट, जब हम लोग हाइट पे जाएंगे. ओके, हाइट पे मींस क्या, रॉकेट जाते हैं, एरोप्लेन जाते हैं, सो ये क्या है, हाइट है. जब हम लोग हाइट पे जाएंगे ऊपर की तरफ, सो वहां पे जी में क्या चेंजेस होंगे, चेंजेस होंगे क्या, यस yes. क्यों? क्योंकि वहां पे आर का वैल्यू चेंज हो रहा है. यहाँ पे कंसीडर करते हैं, दिस इज अर्थ. ओके, हम लोग यहाँ पे हैं, सो अब वैल्यू ऑफ जो आर है वो कितना है, 6400. ओके, आर का जो यहाँ पे वैल्यू है कितना है, 6400. अगर हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अगर हम लोग हाइट पे गए, फॉर एग्जांपल हाइट पे कब जाते हैं, जब हम लोग एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं. ओके, एरोप्लेन कंसीडर करो कि 10 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रही है यहाँ पे, और ठीक है फ्लाइट कर रही है. सो 10 किलोमीटर मींस दिस इज कंसीडर, दिस इज एरोप्लेन. ओके, सो दिस इज एरोप्लेन, ये उड़ रही है कितने हाइट पे उड़ रही है, 10 किलोमीटर पे. सो इसके लिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6400 जो है वो सरफेस के लिए. सो एरोप्लेन के लिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ए रेडियस फॉर एरोप्लेन कितना हो जाएगा, 6410. ओके, वहां पे अगर 10 किलोमीटर भी हम लोग ऊपर गए, सो रेडियस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही चेंज हुआ. ओके, सो इसीलिए कुछ भी वहां पे थोड़ा सा वैल्यू जी में, जी के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन वो नेग्लेक्टेबल रहेगा, मींस क्या, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो इसीलिए हम लोग इतने छोटे डिस्टेंस पे कुछ भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं देखते हैं. लेकिन क्या वेरिएशन होगा ही नहीं, होगा. कब होगा, जब हम लोग हाई डिस्टेंस पे जाएंगे. यहाँ पे जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, फिगर में हम लोग को क्या दिया हुआ है, सरफेस ऑफ द अर्थ को हम लोग कंसीडर किए हैं 0. सो वैल्यू ऑफ जी कितना दिया हुआ है, 9.8, मींस क्या, जो डिफॉल्ट है. अब उसके बाद माउंट एवरेस्ट, हम लोग को पता है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, पीक, ठीक है, उसका कितना है, 8.8 किलोमीटर. सो वहां पे कितना है, थोड़ा वहां पे 9.8 है. सो सरफेस से वहां पे थोड़ा सा डिक्रीज रहेगा, लेकिन डेसिमल के एकदम लैक्स पोजीशन पे थोड़ा सा वहां पे चेंजेस होंगे. सो उसको हम लोग निग्लेक्ट करें, इसीलिए उसका भी कितना है वहां पे, 9.8. अब थर्ड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, मींस क्या, जो मतलब क्या, इंसानों ने मैक्सिमम हाइट जो कवर की है मैन मेड बलून से, वो कितना है, 36.6 किलोमीटर. सो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कितना वैल्यू में चेंज हो रहा है, 0.03. ओके, 0.03 से चेंज हो रहा है, मींस क्या, हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगेन 36 किलोमीटर हाइट पे भी हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, 9.77 को हम लोग क्या लिखते हैं, 9.8. अब अगर उसके बाद बात करें हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो हम लोग वेदर के बारे में बता रहे हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट होते हैं उन लोग सैटेलाइट भेजते हैं अपने अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है, तो कितने किलोमीटर के हाइट पे वो उड़ता है, वहां पे ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता रहता है अपने अर्थ के अलोंग में, 400 किलोमीटर. अब वहां पे देख रहे हैं कितना हो गया जी का वैल्यू, 8.7. ओके, हम लोग अपने अर्थ सरफेस में 9.8 कंसिडर कर रहे हैं, और जो वेदर सैटेलाइट है उसके पास कितना ग्रेविटी है वहां पे, 8.7, मींस क्या, 1.1 से डिक्रीज हुआ. अब देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज होते जा रहे हैं. अब हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, इंटरनेट चलते हैं, मोबाइल टावर्स जिसके थ्रू वहां पे रन करते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पे कितना किलोमीटर के हाइट पे और वहां पे रिवॉल्यूशन करता है, 35,700. ओके, स्टार्टिंग वहां पे हम लोग ने उसका ऐसा एवरेज कंसीडर किया, 10,000 पे भी होते हैं, 60,000 पे भी होते हैं. ओके, सो 35,700 पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. सो वहां पे जी देख रहे हैं कितना है, 0.225.
मतलब वो नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं उस जी को, मीन्स क्या वहां पे अट्रैक्शन होगा ही नहीं, हम लोग वहां पे फ्लोट करेंगे और जो अट्रैक्शन है वो वहां पे थोड़ा ही होने वाला है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सो अगर हम लोग उसके और ऊपर गए सो वहां पे वैल्यू का जी का वैल्यू कम होता रहेगा, क्या ऐसा है क्या, जी का वैल्यू कमी हो जाएगा जब मतलब जब हम लोग कहां पे चले जाएंगे तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है जी का वैल्यू कम हो जाएगा एकदम, अर्थ के बाद मून पे चले गए तो जी का वैल्यू एकदम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एक चीज हम लोग को याद रखना है यहाँ से कि जो जी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके इट डिक्रीज होगा, पॉइंट में रहेगा लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोग ने समझा कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है बिकॉज द रेडियस इज इंक्रीजिंग एंड द वी नो दैट द रेडियस एंड जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड आफ्टर दैट आवर थर्ड वेरिएशन का हम लोग को देखना है यहाँ पे चेंज विथ डेप्थ। डेप्थ का मींस क्या, उसके सेकेंड वाले में हम लोग हाइट पे गए थे मींस के अपवर्ड गए थे सरफेस पे, अब डेप्थ है, डेप्थ का मीनिंग क्या, अब अर्थ के हम लोग को अंदर जाना है, कहाँ तक जाएंगे सेंटर तक, दिस इज द डेप्थ। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जी is inversely proportional to r square, means क्या g और r inversely proportional है। अब surface की बात करें वहां पे g 9.8 है, अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे means क्या center की तरफ, okay so जैसा हम लोग notice कर रहे हैं r का value decrease हो रहा है, okay so r का value decrease हो रहा है, so according to the relation okay r is decreasing means that g will increase, आर का वैल्यू डिक्रीज होगा मींस क्या जी का वैल्यू इंक्रीज होगा। सो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे मींस क्या अंदर की तरफ जाएंगे डिक करते हुए खोदते हुए, ओके सो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगा, बट एक्चुअल केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग कंसिडर करो हम लोग इधर पे आ गए हाफ पे, ओके जब हम लोग हाफ पे आ गए मींस क्या और सरफेस और सेंटर के हाफ पॉइंट पे आ गए, तो यहां पे r का वैल्यू कितना हो गया r बाय टू मीन्स क्या रेडियस कितना हो गया हाफ हो गया, बट अब जो m है मास जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कैपिटल r, जब हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे सो उस पॉइंट के लिए भी m सेम रहेगा क्या, सोचना है m सेम रहने वाला है यहाँ पे, नो बिकॉज जब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए सो हमारे लिए अर्थ ए वाला नहीं है, हमारे लिए अर्थ ए बन गया है, ओके इसका मास पूरे अर्थ के मास से कम होगा, इसीलिए जो वैल्यू ऑफ जी है अब वो जैसा इंक्रीज होना चाहिए था इंक्रीज नहीं होगा, इसका अपोजिट डिक्रीज होगा। सो डेप्थ में कंसेप्ट रिवर्स हो रहे हैं, सो हम लोग का याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में अगर जा रहे हैं सो आर का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगा सो जी का वैल्यू भी डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि मास उस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ का डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, सो ये हम लोग को याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे थिंक अबाउट इट पे क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मीन्स क्या जब हम लोग सेंटर पे पहुंचेंगे अर्थ के सो वहां पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 0.5, 0.2 ऐसा वहां पे जीरो हो जाएगा, मींस क्या सेंटर पॉइंट पे जब हम लोग पहुंच जाएंगे कैसे जीरो होगा वो देखते हैं, जी का फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ओके सो जब हम लोग सेंटर पे पहुंच जाएंगे सो यहाँ पे एम उस पॉइंट के लिए उस ऑब्जेक्ट के लिए एम का वैल्यू मींस क्या मास, सो सेंटर पे जो मास होगा वो क्या होगा जीरो होगा, जब मास जीरो है सो जब जीरो से हम लोग किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं सो वैल्यू क्या आता है जीरो, सो इसलिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी विल बी जीरो व्हेन वी रीचेस एट द सेंटर बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द अर्थ गेट्स जीरो, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो। सो हियर वी कंप्लीटेड द वेरिएशन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ जी, ओके थ्री टाइप्स के हम लोग ने वहां पे देखे, एक सरफेस पे और दूसरा क्या था जब हम लोग हाइट पे जाएंगे, थर्ड क्या था जब हम लोग डेप्थ पे जाएंगे। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है क्या है मास एंड वेट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ओके एंड यू हैव टू रिवाइज दिस अगेन एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन आस्क मी, ओके थैंक यू।